आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं प्रियांक सौरभ बिहारी न्यूज के सेगमेंट बिहारी जायका के साथ। दोस्तों आपको पता है कि बिहारी जायका के साथ हम आपको बिहार के विभिन्न जायका से रूबरू कराते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि पटना में मोंजनीज केक शॉप का एक नया फ्रेंचाइजी खुला है, रिगेंस कैफे नामक इस फ्रेंचाइजी के बारे में आज हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि मुंबई में 1956 से शुरू हुआ यह दौर आज पटना में क्या गुल खिलाने वाला है और पटना में लोगों की दीवानगी इसके प्रति कैसी है, इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे और इसके ऑनर से हम रिगेंस जिसे इनसे इनके बारे में विशेष जानकारी लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम रिगेंस कैफ़े के अंदर आ चुके हैं जो मोंजनीज का फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और मोंजनीज को लेके और रिगेंस कैफ़े को लेके हम उनके ऑनर रिगेंस जी से बात करेंगे। तो दरअसल आप अपने बारे में पहले कुछ बताएं हमें। मेरा नाम रिगन है और ये रिगेंस कैफ़े के नाम पर ये मोंजनीज का ही एक आउटलेट हुआ और अब ये आज ये इनॉग्रेशन है और कंकड़बाग में ओपनिंग। मोंजनीज के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ये 1956 की कंपनी है और अभी बिहार में ये 10वां शॉप है और पटना से बाहर ये अभी मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में है इसका आउटलेट है। इसके बाद और पटना में इसका कैमा शॉप है? ये मेरा 10वां शॉप है। आपका 10वां शॉप है जी। मोंजनीज जो एक बहुत बड़ा नाम है जो मुंबई से यह नाम चला और आज ये पटना में भी काफ़ी फेमस होता दिख रहा है, लोगों में इसकी प्रति दीवानगी आप देखते हैं या हम लोगों ने भी देखा है, लोग इसके बारे में जानते हैं, और तो आप मोंजनीज के बारे में कुछ बताएं कि लोगों का क्या फीडबैक होता है इसके प्रति? लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा है और क्योंकि केक हम लोग का सारा एगलेस है। अच्छा। सो आप कोई भी डिज़ाइन में केक लाइए, मतलब 3D जो भी है, फोटो केक सारा वो सब यहाँ बनता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोंजनीज के रिगेंस कैफ़े में भी हम पहुँचे हैं जिसका आज उद्घाटन हुआ है, फ्रेंचाइजी 10वां फ्रेंचाइजी बिहार का, ये 10वां फ्रेंचाइजी में आज इसका उद्घाटन हुआ है और अब हम आपको दिखा दें, थोड़ा सा आप इस पर फोकस करें, देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या उपलब्ध है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी देना आप। ये क्या है? ये हॉट काउंटर है, इसमें नॉन वेज का सारा है जी और इसमें वेज है जी, इसमें सेवरी सब है सारा, इधर देखिए पैक प्रोडक्ट्स है, कुकीज सब सबसे सब चीज़ें, उधर पे सारा कोल्ड काउंटर हो गया, एक साइड केक एक साइड पेस्ट्री हो गया, सब यही सब कैफ़े के मोंजनीज शॉप में। अब हम बात करेंगे यहाँ पहुँचे कुछ कस्टमर्स से, आखिर वो यहाँ तक क्यों पहुँच रहे हैं, आखिर उनका क्या फीडबैक है इसके प्रति। जी आप क्यों पहुँचे हैं यहाँ पे, आपका नाम क्या? जी मेरा नाम वैष्णवी है। अच्छा, तो मोंजनीज के प्रति आप या मोंजनीज के लिए आप यहाँ पे आए हैं जी, रिगेंस कैफ़े के प्रति आपका फीडबैक क्या है? काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डेकोर काफ़ी अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, एंड प्लस मोंजनीज का प्रोडक्ट्स तो ट्रस्टवर्दी है, वेरी चीप एंड वेरी टेस्टी, तो यहाँ लोग कस्टमर एक बार आएंगे तो बार बार डेफिनेटली आएंगे। आप कुछ कहेंगे? मेरा भी सेम है। सेम है, यानी यू कहें तो आप कस्टमर्स बाइट भी आप देख रहे हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी संतुष्टि दिखा रहे हैं रिगेंस कैफ़े के प्रति, मैं मोंजनीज के प्रति। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारे पीछे बहुत सारे वेज बर्गर हैं और इधर आप देख सकते हैं कि ये नॉन वेज हॉट एंड क्रिस्पी अब जो देख रहे हैं, उसके बाद इधर भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी मतलब आइटम यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये मोंजनीज की एक खास विशेषता कह सकते हैं इसको। तो रिगेन जी आप बताएं कि अभी जो 25 दिसंबर आने को है और यानी 25 दिसंबर कह सके क्रिसमस डे, उसके बाद नया साल आएगा, तो इसमें लोग केक के प्रति या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके प्रति आकर्षित होते हैं, उनको चाहिए होता है, तो उसके लिए आपने क्या तैयारी कर रखी है? उसके लिए मतलब क्रिसमस एडिशन में ये सब जो ऊपर में आप देख रहे हैं ये सब स्पेशली अभी लाया गया है, टोटल क्रिसमस और न्यू ईयर को मतलब करके फ्रूट केक है, सब सारा वेज है, कुछ एक में है, सारा में सिंबल है और स्पेशलाइज सब वो जो डमी केक है सब, ये सब भी डिज़ाइन सारे बनते हैं यहाँ पे, इधर भी है और केक के मतलब बहुत सारे होंगे केक के जो डिज़ाइन वगैरह दिखाए हमें, वो सब सारा ये सब डिज़ाइन हुए यार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे केक के एक पर एक कई सारे डिज़ाइंस यहाँ पे मौजूद हैं और भी बहुत कुछ हैं जी, और कुछ बताएं विशेषता इसकी? और कोई भी डिज़ाइन जैसा बताइए, क्रिसमस स्पेशल जो भी होता है, जैसे हम लोग स्कूल कॉलेजेस में हम लोग का जहाँ वहाँ भी होता है, हम लोग का एसेसरीज भी मतलब वो क्रिसमस का रहता है, सब सारा सारा एसेसरीज हम लोग पहले से मतलब मंगा के रखते हैं, जो भी मतलब क्रिसमस और न्यू ईयर के अकॉर्डिंगली मतलब। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिसमस की तैयारी और न्यू ईयर की तैयारी रिगेंस कैफे शुरू कर चुका है और आप भी अगर इसके लिए
तैयार हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका क्रिसमस और न्यू ईयर बेहतर हो तो आप रिगेंस कैफ़े आ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे उपलब्ध प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स भी आते हैं, उनका फीडबैक भी देखने को हमको मिला। तो दोस्तों, अगर आप भी तैयार हैं, 25 दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं और आप भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहुँचे पटना के कंकड़बाग में रिगेंस कैफ़े में और ले मज़ा सेलिब्रेट करें आप 25 दिसंबर का रिगेंस कैफ़े के खास प्रोडक्ट के साथ। और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। आप देखते रहें बिहारी न्यूज़ और बिहारी न्यूज़ के खास सेगमेंट बिहारी जायका के द्वारा। हम आपसे फिर मिलते रहेंगे खास व्यंजनों के साथ। धन्यवाद।